जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को उन्हें जय जिनेन्द्र जय दुजलंदो। आप सभी का एक बार पुनः तत्वार सूत्र की आगे की कक्षाओं में स्वागत है। आज हम 110 नंबर की कक्षा यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं कल तक। आज 111 नंबर की कक्षा यहाँ पर आपकी प्रारंभ होने जा रही है। तत्वार सूत्र का अष्टम अध्याय अध्ययन चल रहा है। अष्टम अध्याय के पहले सूत्र का भावार्थ हम लोग समझ रहे हैं। कल की कक्षा में कैमरे की थोड़ा सा मेमोरी फुल हो जाने के कारण से अंत की कुछ कक्षा लगभग 10 मिनट की रिकॉर्ड होने से रह गई थी। यहाँ जो लाइव क्लास लोग पढ़ रहे थे उनके लिए तो नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने अच्छे से सीख लिया था, बट रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रहने के कारण से लास्ट की जो कक्षा आप लोगों की जो ऑनलाइन माध्यम से सीख रहे हैं रह गई है, तो उसको थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तकनीकी कारणों से उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कल, तो आज उसको आपको लिए रिपीट कर दिया जाएगा। अग्रहीत मिथ्या तक आप लोगों ने ऑनलाइन में देख लिया था, उसके बाद के नोट्स जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखे गए हैं वो आप लिख भी सकते हैं और एक बार पुनः आपके लिए उसका रिवीजन अभी हम करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें अध्याय के पहले सूत्र का हमने कल भावार्थ देखा था। प्रतिदिन की भांति हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और चूंकि नया अध्याय शुरू हुआ है तो उसका पहला सूत्र का वाचन एक बार पुनः हम याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूव्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अष्टम अध्याय आप लोग निकाल लीजिए। पहला सूत्र मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतव। पहले सूत्र का ही वर्णन कल की कक्षा में डिटेल में एक बार पुनः किया था। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंध के हेतु यानी कि बंध के कारण हैं। आत्मा में जो कर्मों का आना हो रहा था जिस प्रकार से पहले अध्याय में जल के माध्यम से और एक नौका के माध्यम से नाव के माध्यम से उदाहरण दिया था कि नाव में जो छेद हो गया है उसके कारण से आत्मा में जिस प्रकार से कर्म आते हैं वैसे ही नाव में जल प्रविष्ट हो रहा है, तो उसे बोला आश्रव। और अगर आत्मा के जीव की दृष्टि से देखा जाए तो जीव में कर्मों का आना तो आश्रव कहलाता है और आकर के चिपक जाना वह बंध कहलाता है। कोई चीज़ कर्म आए आत्मा में और बंधे नहीं चिपके नहीं तो वह मात्र आश्रव हुए और आश्रय होने के बाद उनका निर्जरा हो गई, वो समाप्त हो गए, वो बंधे नहीं। बंधेंगे कौन से? इस संसार में अनंतानंत पुद्गल हैं, बहुत सारी पुद्गल वर्गणाएँ हैं, पुद्गल अणु हैं,
वह सभी तो प्रत्येक आत्मा में जाकर नहीं चिपक जाते। कौन से चिपकते हैं? जो उस आत्मा के योग्य होते हैं। समय के हिसाब से जैसे आत्मा के जीव के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उसके हिसाब से वह परमाणु संसार में जो प्रत्येक प्रदेश पर व्याप्त हैं, वह आकर के उस जीव के चिपक जाते हैं। जैसे उस जीव के राग और द्वेष के परिणाम होंगे, उसके हिसाब से वो अणु चिपक जाते हैं। अब कैसे कैसे पांच कारण हैं जिनकी वजह से वो अणु आत्मा से आकर के चिपकते हैं। पहला कारण क्या बताया? मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्म में जीव अनादि काल से पड़ा हुआ है, उसके कारण से जो पुद्गल वर्गणाएँ हैं वो आत्मा में आकर के चिपकती हैं। सम्यक दर्शन का सच्चा ज्ञान न होने से, है ना, विपरीत ज्ञान होने से, एकांत ज्ञान होने से, विनय मिथ्यात् होने से, संशय मिथ्यात् होने से और अज्ञान मिथ्यात् होने से, ये हमने कल की कक्षा में पांच प्रकार से मिथ्या दर्शन के प्रकार देखे। कौन कौन से देखे? एकांत मिथ्यात्, किसी वस्तु के एक स्वरूप को ही मानना, अनेकांत और स्यादवाद का जो जैन दर्शन का भगवान महावीर द्वारा बताया गया प्रमुख सिद्धांत है, उसके विपरीत श्रद्धान करना। इसके उदाहरण के तौर पे बताया था कि एक व्यक्ति एक समय पर अन्य अन्य लोगों की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे हम हैं, हम अपने पिता की दृष्टि से पुत्र हैं, अपने मित्र की दृष्टि से मित्र हैं, है ना, अपने जो स्टूडेंट है उसकी दृष्टि से गुरु हैं, अपने गुरु की दृष्टि से हम शिष्य हैं। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से बहुत सारे प्रकार से हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अनेकांत। क्योंकि सभी बातें सही हैं, ठीक है, परंतु एक ही दृष्टि से एक ही समय पर तो वह एक ही चीज़ होगी। अब मित्र है हमारा, वो मित्र हमें बोले कि हम भाई हैं, तो वह तो संभव नहीं है। पत्नी है, अपने पति को बोले नहीं आप पति नहीं हो, आप तो पिता हो, एक समय एक ही व्यक्ति एक दृष्टि से तो एक ही चीज़ बोलेगा, बट अन्य अन्य दृष्टियों से वह अनेकांत कहलाता है। तो मिथ्यात् क्या हुआ? एकांत मिथ्यात्, यानी कि एक मत को ही मानना, दूसरे मत को अन्य दृष्टि से नकार देना, तो यह भी मिथ्या दर्शन ही कहलाता है। विपरीत श्रद्धान, जो तत्व जो द्रव्य जैसा है उसके विपरीत मानना, आत्मा को पुद्गल मान लेना, पुद्गल को आत्मा मान लेना, ये तो विपरीत श्रद्धान हो गया। आकाश को जीव मान लेना, जीव द्रव्य को आकाश मान लेना, ये सब क्या हो गए? विपरीत श्रद्धान कहलाते हैं। जैसे वस्त्र के साथ स्त्री को मोक्ष हो सकता है, इस संसार का कोई करता है, कोई इसका पालनहार करने वाला है, कोई संहार करता है, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होते हैं, जो जिनेंद्र देव ने जो बातें बताई हैं उसके विपरीत श्रद्धान कर लेना, बिल्कुल अपोजिट, तो ये सब क्या कहलाएगा? विपरीत मिथ्यात्। उसके बाद विनय मिथ्यात्, विनयशील होने के कारण से मिथ्या दर्शन में पड़ जाना, यानी कि सभी देव देवताओं को जिनेंद्र भगवान के समकक्ष मानना, है ना, उनको एक जैसा मानना, ये सब क्या कहलाते हैं? विनय मिथ्यात्। चौथा कौन सा मिथ्यात् देखा? संशय मिथ्यात्, यानी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई गई वाणी पर जो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना करी है उस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संशय कर लेना, शंका कर लेना, डाउट कर लेना कि आज का विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है तो हो सकता है कि पूर्वाचार्यों ने उस समय उनको ज्ञान नहीं होगा, वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो मंगल चंद्रमा पे तो गए नहीं थे, तो ज्ञान में इतनी चीज़ कैसे आ सकती है जो जा कर के आ सकती है, तो अपनी जिनवाणी पर शंका कर लेना, ये भी क्या है? मिथ्यात्।
कि पता नहीं मरने के बाद किसने देखा है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, सिद्धि शिला किसने देखी है, इतने राजू के स्वर्ग बताए, इतने राजू के नीचे सात नरक बताए, वहाँ तक कोई आज तक गया तो है नहीं, है ना, इतनी बड़ी जम्मूद्वीप इत्यादि बताए हैं, तो इन सब पे शंका कर लेना, ये भी क्या हो गया, मिथ्या दर्शन। इस कारण से भी आत्मा में कर्मों का बंध हो जाता है। अज्ञान मिथ्यात्, सम्यक ज्ञान के विपरीत जो भी ज्ञान है उसे क्या बोलते हैं, अज्ञान। क्या हमारी आत्मा के लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, हिंसा आदि पापों में अहित के कारण से लिप्त रहना, उससे क्या होगा, अज्ञान की वजह से मिथ्या दर्शन होगा। किसी ने कहा कि बलि देने से आपको ये फायदा होगा, यह कार्य करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, हिंसा आदि पाप करने से आपको ये मांग आपकी पूरी हो जाएगी, तो हित का ध्यान ना रखते हुए किसी की बातों में आ जाना और स्वयं का विवेक नहीं करना, तो अज्ञान मिथ्यात्। इन पांच प्रकार से मिथ्या दर्शन के जो पांच कारण हैं, आत्मा में कर्मों का बंध होता है। इसके बाद आपको दो प्रकार से और मिथ्या दर्शन के भेद बताए थे कि मिथ्या दर्शन किस प्रकार से किसी जीव को हो सकता है। तो पहला बताया था ग्रहित मिथ्यात् और दूसरा कल आपको बताया था अग्रहित मिथ्यात्। ग्रहित का तात्पर्य होता है किसी के बताए से ग्रहण कर लेना, पर उपदेश के कारण से मिथ्या दर्शन हो जाना। कहीं पर गए, कोई पुस्तक आपने ऐसी मिल गई, वो भी पर उपदेश है। किसी ने वचन के माध्यम से उपदेश दिया तो वह भी पर उपदेश है। किसी को देख करके कोई कैसे आचरण में लिप्त था, उसको बहुत सारे सुख साधन वैभव संपत्ति इत्यादि मिले हुए थे, तो वह जैसी क्रिया कर रहा था उसको देख करके लगा कि यही सच्चा दर्शन है, इससे तो बहुत सुख की अनुभूति होती है, तो वह सब क्या कहलाएगा, किसी को देख करके सुन करके पढ़ करके मिथ्या दर्शन हो जाना, ग्रहण किया हुआ मिथ्यात् यानी ग्रहित मिथ्यात्। दूसरा मिथ्यात् क्या है, अग्रहित मिथ्यात्, आत्मा में अनादिकाल के कर्मों के कारण से स्वतः अग्रहित मिथ्यात् का हो जाना। जो स्थावर पर्याय के जीव हैं, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के इतने सारे जीव हैं, पंचेंद्रिय में बहुत सारे पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि असंख्यात भरे हुए हैं, वो सभी कैसे हैं, अनादिकाल के पूर्व जन्मों के कर्मों के उदय के कारण से मिथ्या दर्शन में ही पड़े हुए, तो वो सब क्या कहलाते हैं, अग्रहित मिथ्यात्। किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी सच्चे देव सास गुरु का मोक्ष के मार्ग का ज्ञान न होना, विपरीत श्रद्धान एकांत श्रद्धान जो अन्य अन्य पांचों प्रकार की चीज़ें हैं, बिना किसी के बताए हुए स्वतः आत्मा में ही होना, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, अग्रहित मिथ्यात्, बिना किसी के उपदेश से। इसके बाद जो कल की कक्षा में आप लोग नोट करना भूल गए थे, यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहीं से देख देख करके आपको रिवाइज कराएंगे और आप लोग साथ साथ उसको नोट भी करते चलेंगे, उसके बाद जो आज की कक्षा है फिर उसको प्रारंभ करेंगे। दूसरा जो पहले सूत्र में मिथ्या दर्शन के बाद दूसरा शब्द आया है अविरति, यानी व्रतों को ग्रहण नहीं करना, व्रतों से रहित होना, असंयमी होना, संयम का नहीं होना, ये सब क्या कहलाता है, अविरति। जो पिछले अध्याय में छठे सातवें अध्याय में आपको कर्मों का आश्रय बताया, वहाँ सातवें अध्याय में क्या बताया, व्रत कैसे लिए जाते हैं, उनका कैसे अतिचार हो सकता है, उनकी भावना कौन कौन सी जिससे वो पक्के हो सकते हैं, दान का स्वरूप क्या होता है, ये सब ग्रहण नहीं करना। जो इन व्रतों को ग्रहण कर लेता है उसके पास आश्रव तो होता है कर्मों का, परंतु बंद जितने व्रत उसके पक्के हैं सीमा के अनुसार बंद कम कम होता जाता है। अब किसी जीव ने बिल्कुल भी व्रतों को ग्रहण नहीं किया तो जितने भी कर्मों का आश्रव आएगा वो सारे की सारे आकर के बंद जाएंगे। व्रत का मतलब क्या है,
एक तरह से लक्ष्मण रेखा लगा देना। कर्म आएंगे तो सही, लेकिन आखिर क्या हो जाएंगे व्रत की वजह से? ये मान लीजिए आत्मा है और कर्म आए, आते ही तुरंत वापस लौट गए, अगर जीव व्रती है। अब इसमें जितने उसके व्रत प्रगाढ़ हैं, कठोर हैं, बहुत अच्छे व्रत हैं, तो जाते ही सारे वापस लौट गए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए 100 की संख्या में कर्म गए और 90 अंदर चले गए, 10 वापस लौट गए। किसी के व्रत और ज़्यादा हैं, 80 अंदर गए, 20 वापस लौट गए। इसी प्रकार से जितने व्रत जिसके बड़े होंगे, उतने उसको कर्मों का बंध कम होता जाएगा, है ना? जैसे जैसे जीव गुण स्थान में ऊपर उठता जाएगा व्रतों के कारण से, उसको उतने ही कर्मों के बंध कम होते जाएंगे। जैसे जैसे जीव सबसे कम वाले गुण स्थान में है, तो जितने भी कर्म आएंगे वो सारे की सारे कर्म आके 100 की 100, जैसे उदाहरण एक एग्जाम्पल लिया है, तो 100 मान लीजिए कर्म आ रहे हैं, तो 100 की 100 बन जाएंगे यदि जीव मिथ्या दर्शन में है। व्रत ले लिए तो जितने उसके व्रत बड़े होते जाएंगे, उतने उसके कर्म कम आकर बनते जाएंगे। तो इसीलिए जीव ज़्यादा से ज़्यादा व्रत लेता है, धीरे धीरे करके प्रतिमाओं को बढ़ाता है। यदि गृहस्थ श्रावक है और सबसे ज़्यादा जब प्रतिमा हो जाती हैं, तो उसके बाद वह महाव्रती बन जाता है। जब महाव्रती भी बन जाता है, तो उसमें भी एक एक करके 14वें गुण स्थान तक की एक सीढ़ियाँ हैं, कि जैसे जैसे वह महाव्रती बनने के बाद में ध्यान अवस्था में एकाग्र चित्त होता चला जाता है, संसार और संसार की जितनी भी पर वस्तुएँ हैं, अपने स्वयं की आत्मा, स्वयं के जीव के अतिरिक्त, उनसे धीरे धीरे करके पूर्णतः राग द्वेष से रहित हो जाता है, और अंत में जा करके जब ऊपर के गुण स्थानों में जाता है, तो उसका मोहनीय कर्म यानी कि मोह पूरी तरह से उसका समाप्त हो जाता है। और जिस दिन उसका मोह पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके 4 जो घातिया कर्म हैं, उनका सर्वत्र नाश हो जाता है, और उसके बाद मात्र 4 अघातिया कर्म रह जाते हैं। जब उसका आयु कर्म पूरा होता है, तो बचे हुए वह 4 अघातिया कर्म भी सर्वत्र नाश हो जाते हैं, और उसका जीव सीधे जाकर के सिद्ध शिला पर एकाग्रचित अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में बचे हुए अनंत काल के लिए वहाँ पर प्रविष्ट हो जाता है। वहाँ पर जाकर के उसकी आत्मा स्थिर हो जाती है। तो ये क्या है, धीरे धीरे उसकी गुण स्थानों में कैटेगरी ऊपर सीढ़ियाँ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कर्मों का आश्रय तो होगा, लेकिन बंद नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कल की कक्षा में हमने अविरत देख लिया। अविरत में क्या, व्रतों से बिल्कुल जो जीव रहित है, किसी भी प्रकार के व्रत उसने चारित्र का धारण नहीं किया है, ना अड़ू व्रतों का धारण किया है, ना महाव्रतों का धारण किया है, छोटे छोटे नियम संयम कुछ भी उसने पालन नहीं किए, तो सारे की सारे कर्म उसके आते रहेंगे, उसका संसार अभी जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी कर्म आएंगे वह समय आने पर अपना फल देंगे। तो नया फल देंगे, फिर नए कर्म आएंगे, फिर नया फल देंगे, फिर नए कर्म आएंगे, तो ऐसे उसका संसार चलता ही रहेगा। चतुर्गतियों के उसके दुख अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, आगे के भविष्य के अनंत काल तक चलते रहेंगे। एक के बाद एक 84 लाख योनियों में उसका जन्म और मरण होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक उसने अपने चारों तरफ बाउंड्री नहीं बनाई, जब तक एक लक्ष्मण रेखा उसने नहीं बनाई। जिस दिन ये व्रतों के रूप में उसकी लक्ष्मण रेखा बननी प्रारंभ हो जाएगी, तो नए कर्मों का आश्रय तो होगा, लेकिन आश्रय होते ही क्या हो जाएगा, बंद नहीं होगा। उनकी हाथों हाथ एक तरह से निर्जरा हो जाएगी, आए और चले गए, आकर के अंदर बनेंगे नहीं। व्रत के लिए हमने एक परिभाषा और लिखी थी कल,
छह काय के जीवों की हिंसा न करने का संकल्प ले लेना। छह काय क्या होते हैं? पांच इंद्रियां और मन को वश में करना, है ना। पांच तो इंद्रियां हो गई और एक जो मन है, इनके द्वारा आपने क्या किया, जो छह काय के जीव हैं उनकी जीव रक्षा का संकल्प लिया। अब छह काय के जीव में क्या आता है? पांच स्थावर, कौन कौन से, जो एक इंद्रिय जीव हैं उन सबको क्या बोलते हैं? स्थावर जीव। कौन कौन से हैं? जल का एक, भूमि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक और पृथ्वी का एक, अग्नि का एक। इस प्रकार से पांच जो आपके स्थावर जीव हैं और साथ में त्रस जीव, जो स्थावर से बड़े यानी कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, इसमें संसार के सारे की सारे जीव छह काय के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनकी रक्षा करने का जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है, मन वचन काय से अपने प्रत्येक कृत कारित अनुमोदना से उन जीवों की रक्षा करता है, न उनका भक्षण करता है, न उनका उपभोग करता है, न उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट हो, ऐसी भावना करता है, तो ये संकल्प कब माना जाता है? जब वह जीव व्रत ले लेता है। चाहे मनुष्य हो, वह भी व्रत ले सकता है, कोई पंचेंद्रिय पशु हो, वह भी व्रत ले सकता है, परंतु देव और नार की व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते, संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। भले ही देवों को सभी प्रकार से अवधि ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वह चाह कर भी अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए संयम लेना पड़ेगा। और देव असंयमी होते हैं, उनको जैसे ही किसी भी वस्तु की इच्छा होती है तो तुरंत उनकी पूर्ति हो जाती है, वह वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या कहा? अविरत होने के कारण से आत्मा में कर्मों का आश्रय होने के साथ वह बंध जाते हैं। तीसरा हमने क्या देखा? प्रमाद। प्रमाद के कारण से भी आत्मा में कर्मों का बंध हो जाया करता है। प्रमाद का तात्पर्य एक साधारण भाषा में आपको बताया था कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं जो मोक्ष मार्ग में सहायक है, आपके आत्मकल्याण में सहयोगी है, उसमें अनादर करना, उसको समझते समय, उसको क्रिया करते समय, उसको एकाग्रचित होकर पूरी तरह से नहीं करना, है ना। जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जिन पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, जो भी आपने व्रतों को धारण किया है या ना किया है, उनमें एकाग्रचित्ता ना रखना, उनमें पूर्णता ना रखना। किस कारण से? प्रमाद के कारण से। एक समय में चार कार्य करने के कारण से प्रमाद के वशीभूत क्या होगा? आपकी आत्मा में कर्म आकर के बंध जाएंगे। मान लीजिए ईर्या समिति का पालन करना है, जमीन को देख करके चलना है, चार हाथ भूमि को, कि कोई जीव हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए, लेकिन क्या करना? उस समय अन्य जगह ध्यान लगाना, बात करते हुए चलना, ध्यान कहीं अन्य स्थान पर होना, आप ध्यान लगा रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उसमें प्रमाद करना, पहले भी बताया है, ध्यान अवस्था में बातचीत करना, मोबाइल पे बात करना, है ना, अन्य वस्तुओं पे ध्यान लगाना। डॉक्टर का उदाहरण दिया था कि ऑपरेशन करते समय अन्य कार्यों में लिप्त हो जाना, तो ये सब क्या कहलाएगा? प्रमाद। जय कार्य जैसे किया जा रहा है मोक्ष मार्ग में, जो सहयोगी बातें हैं उनमें अनादर का भाव रखना, इससे भी क्या होगा? वो व्रत पूरे नहीं माने जाएंगे। और उसमें भी भले ही आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया कि आप महाव्रती बन गए या अणुव्रती बन गए, लेकिन उन व्रतों में, उन चारित्र को जो धारण किया है, उनमें अनादर है, उनमें प्रमाद है, तो वो आपको फिर भी आत्मा में कर्म आते ही रहेंगे, बंध को प्राप्त होते ही रहेंगे। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण से
और पांचों इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहने के कारण से आत्मा में जो कर्म आ रहे हैं वो आकर के बंधते चले जाएंगे। जैसे ही आपने किसी पे मन में क्रोध किया, तुरंत जो पुद्गल वर्णाएं हैं संसार में एकदम से वो आकर के चिपक गई। मन में विचारते ही, किसी जीव के प्रति क्रोध करते ही, किसी को अपशब्द बोलते ही, किसी की साथ हिंसा करते ही, ये चारों प्रकार के कोई भी कषाय आप जैसे ही करते हैं, चाहे मन में करी, चाहे वचन में करी, चाहे काय से करी, तो उतने उतने लेवल के हिसाब से जितनी अधिकता इन कषाय की होगी, यानी जितनी तीव्रता होगी, उतने ज़्यादा आपके कर्मों का आश्रव और बंध होगा, और जितनी मंदता होगी तो उतनी कम कर्मों का आश्रव और बंध आपकी आत्मा के साथ हो जाएगा। आपने क्रोध किया, फिर एकदम आपको ध्यान आ गया, बाद में आपने उसका क्या किया, प्रायश्चित लिया, आत्मग्लानी ली, तो हो सकता है जो कर्म आत्मा के साथ आए थे वो धीरे धीरे बिना फल दिए चले जाएं, निर्जरा हो जाए। आपने तप किया, आपने ऐसे उस मन में विचार किए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, यह मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्रोध मान माया लोभ करना तो मेरे मोक्ष मार्ग में मेरा बाधक है, मुझे ये कार्य पुनः नहीं करने। इस प्रकार से जैसे ही आपने विचार किए और उसके लिए आपने सही स्वरूप में तप इत्यादि के द्वारा उसका प्रायश्चित किया, तो क्या हो जाएगा, ये बिना फल दिए आपके झड़ जाएंगे। आगे के अध्याय में जब हम संवर और निर्जरा का वर्णन पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से कर्म बिना फल दिए एक बार जो आ चुके हैं और बंध को भी प्राप्त हो चुके हैं वो भी झड़ सकते हैं, वह भी निर्जरा को प्राप्त हो सकते हैं, वो आगे के अध्यायों में आएगा। इनसे भी क्या होता है, कषाय से आत्मा में कर्म आकर के बंध। उसके बाद हमने देखा योग, मन वचन काय से जो भी प्रवृत्ति करी उससे आत्मा में कर्म आकर के बंध जाते हैं। तो इसलिए आगे आगे के गुण स्थानों में वहाँ पर क्या हो जाता है, जो 14वें गुण स्थान में जीव पहुँच जाता है उसको बोलते हैं अयोग केवली। वहाँ पर किसी प्रकार से अब कर्मों का ना आश्रय होता है ना बंद हो जाता है। उससे पहले तक क्या बोलते हैं, संयोग केवली, केवल ज्ञान भी हो गया परंतु अभी योग रहा। क्यों योग रहा, क्योंकि अभी शरीर बचा हुआ है, काय है, तो इसलिए संयोग केवली उनको कहा जाता है। आज की कक्षा में हम लोग जो 14 गुण स्थान हैं उनके एक बार नाम लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि गुण स्थानों का वर्णन बार बार कई बार आता है तो आपको अच्छे से उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, और क्या पढ़ा था हमने कल की कक्षा में, कि पहले गुण स्थान तक के जीवों को पांचों प्रकार से आत्मा में कर्मों का आश्रव हो सकता है। अब पहला गुण स्थान कौन सा है, अभी लिखेंगे भी हम आज की कक्षा में। पहला गुण स्थान होता है मिथ्या दर्शन वाला गुण स्थान, यानी मिथ्यात्व। जितने भी संसार में जीव हैं वे सभी अधिकांशतः मिथ्या दर्शन वाले ही हैं। उनको इन पांचों प्रकार से, यानी कि पहला क्या था, मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय और पांचवा योग, पहले गुण स्थान तक के जीवों को पांचों प्रकार से आत्मा में कर्मों का आश्रव हो सकता है। यानी कि उनके प्रत्येक समय सबसे ज़्यादा कर्म आकर के बंधते हैं। कौन से वाले जीवों को, जो पहले गुण स्थान वाले हैं, यानी कि मिथ्या दर्शन वाले गुण स्थान वाले जीव हैं। दूसरे से पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को अविरति, क्योंकि अब दूसरे गुण स्थान में क्या रहता है, जीव मिथ्या दर्शन से ऊपर बढ़ गया, अब उसको ज्ञान हो गया कि मिथ्या दर्शन क्या होता है और सम्यक दर्शन क्या होता है, सच्चे देव सास गुरु पे उसको श्रद्धान हुआ। तो आगे बढ़ते हुए जब उसने एकमात्र श्रद्धान हो गया, कम से कम अभी उसने व्रत इत्यादि कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ क्या हुआ है, उसको पता चल गया है कि यह सब मिथ्या था। जैसे आप लोगों को पता चल गया तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद, अभी आपने कुछ भी नियम नहीं लिए, कोई भी संयम मान लीजिए नहीं किया, कोई भी व्रतों को धारण नहीं किया, फिर भी क्या होगा, आपका एक गुण स्थान
ऊपर पहुंच गया। तो उसकी वजह से आपका जो मिथ्या दर्शन की वजह से कर्मों का आश्रय हो रहा था, एक लेवल आपका कम हो गया। परंतु कहाँ कहाँ आपको आश्रय हो सकता है? अविरति की वजह से, यानी कि व्रत अभी आपने नहीं लिए हैं, प्रमाद की वजह से, और कषाय आप कर सकते हैं, योग भी आपके तीनों चालू हैं। तो इन चार प्रकार से कर्मों का आश्रय किन किन को हो सकता है? दूसरे से पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को, ठीक है। उसके बाद पांचवें गुण स्थान से जब जीव ऊपर बढ़ जाता है, कहाँ बढ़ जाता है? जब वो व्रतों को धारण कर लेता है। पांचवें गुण स्थान में तो रहते हैं अणुव्रति, यानी कि श्रावक, और छठे गुण स्थान में जाकर के क्या हो जाते हैं? वह जीव महाव्रती बन जाता है। तो यहां पर छठे गुण स्थान में क्या रहेगा? जब वह महाव्रती बन गया और महाव्रती बनने के बाद में निर्ग्रंथ अवस्था उसने धारण कर ली, परंतु अभी उस काल में वह प्रत्येक समय जो पूरा दिन है, हर समय तो वो ध्यान अवस्था में प्रविष्ट नहीं है, हर समय तो वह सामायिक बिल्कुल एकाग्रचित अवस्था में होकर के नहीं कर रहा है। तो जब वह अन्य कार्य कर रहा है महाव्रती, तो उस समय क्या हो सकता है? उसको क्या बोलते हैं? छठवां गुण स्थान। अभी इनके सारे नाम भी आज आपको लिखवाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ उनके क्या चल रहेगा? प्रमाद भी चल सकता है बीच बीच में, उनको साथ में कुछ ना कुछ कषाय भी हो सकती है, और क्या हो सकता है उनको? योग भी हो सकता है। तो व्रत लेने के बाद में इस अवस्था में वह जीव यदि ध्यान अवस्था में नहीं है, तब वह क्या होगा? प्रमाद, कषाय और योग, इन तीन प्रकार से उनको आत्मा में कर्मों का आश्रय हो सकता है, ठीक है। अब बताइए सातवें गुण स्थान से लेके दसवें गुण स्थान तक क्या रहेगा? अब वह जीव ध्यान अवस्था में प्रविष्ट कर चुका है और ध्यान में भी बढ़ते बढ़ते एक एक करके वह एकाग्रचित अवस्था उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब सबसे पहली अवस्था है, जिस अवस्था को बोलते हैं अप्रमत्त व्रत, सारे नाम आज लिखवाएंगे, यानी कि प्रमाद रहित व्रत ले लिया, अप्रमत्त। अब सातवें गुण स्थान में जीव प्रमाद में नहीं है, ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो चुका है, मन वचन काय से एकाग्रचित अवस्था में है, संसार की बातों को अपने मन में नहीं विचार रहा, एकमात्र अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में वह ध्यान में एकाग्रचित है, सिद्धों का स्वरूप है निहार रहा है, पूरे तीन लोक के स्वरूप को अपने अनादिकाल से अपने स्वयं का जीव उसका किस प्रकार से चतुर्गतियों के दुखों को भोगता हुआ आया है उसको मन में विचार रहा है, धीरे धीरे करके अलग अलग वस्तुओं पर अपना मन एकाग्रचित कर रहा है, तो उस अवस्था को बोलते हैं अप्रमत्त व्रत, यानी कि प्रमाद से रहित होकर व्रतों को धारण कर लेना जब वह जीव ध्यान अवस्था में है। और उस सातवें गुण स्थान से धीरे धीरे करके जीव दसवें गुण स्थान तक उस ध्यान अवस्था में वह प्रविष्ट होता जाता है। तो वहाँ पर किस प्रकार से उसको कर्मों का आश्रय हो सकता है? कषाय भी मन में आ सकती है और योग उसका कहीं ना कहीं मन, वचन और काय उसका चल रहा है। तो इसलिए इन दो प्रकार से उसमें कर्मों का आश्रय, कषाय तथा योग, आत्मा में कर्म बंध के कारण हो जाते हैं। दसवां जो गुण स्थान है उसका नाम होता है सूक्ष्म सांप्राय, यानी कि उसका जो सांप्राय है यानी कि लोभ है वह सूक्ष्म रह जाता है। उसके बाद जीव जब 11वें गुण स्थान में पहुंचता है और 11वें से लेकर 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, तो कषाय भी उसकी पूरी तरह से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म रूप की मंद कषाय भी बिल्कुल रहित हो जाती है। 13वें गुण स्थान पर पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुँच जाता है वो? संयोग केवली। 12वें को क्या बोलते हैं? क्षीण मोह, जब मोहनीय कर्म बिल्कुल समाप्त हो गया। अभी आपको बताया मोहनीय कर्म समाप्त होने का क्या मतलब है? ज्ञानावरणी,
दर्शनावर्णी, मोहनीय, मुद्रा, ये चारों प्रकार के कर्म एक साथ उसके समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उसका जो चार घातिया कर्म है वह मोहनीय कर्म के समाप्त होते ही एक साथ जड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब वह जीव क्या बन जाता है? अरिहंत भगवान, केवली। तो वहाँ पर भी केवली बनने के बाद भी कहाँ रहता है, कौन सा उसको रहता है कर्मों का आश्रय? योग ही आत्मा में कर्म बंध के कारण है। केवली बन गया, वचन भी उनके रहेगा, प्रवचन भी दे सकते हैं, जो आयु बची हुई है उसमें वो व्यवहार भी कर सकते हैं अपने शरीर से, उनका शरीर भी दिखेगा, उनके मन भी रहेगा, तीनों चीज़ें उनके रहेंगी, परंतु जो कर्म आएंगे वह आकर के बंधेंगे नहीं। किससे बंधेंगे? केवल मन वचन काय से, लेकिन बाद में वह फल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आयु कर्म मात्र बचा है और उसके लिए वह जीव क्या कर रहे हैं? ये मन वचन काय से प्रवृत्ति तो कुछ ना कुछ चल रही है, लेकिन आयु कर्म जो थोड़ा सा बचा है वह पूरा होते ही वह जीव क्या बन जाएगा? 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा और अयोग केवली यानी कि सिद्ध परमेष्ठी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कल की कक्षा में लिखवाया था, आपका नोट करने से रह गया था, आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब आज की कक्षा में आपको जो 14 गुण स्थान होते हैं उनका एक एक करके वर्णन करेंगे। यहाँ से आपके लिए मिटा देते हैं, 14 गुण स्थान क्या होते हैं वह सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा समझाएंगे, जिससे कि आप उसको आगे कभी भी अपने ध्यान में उसको रख सकते हैं। बहुत बार गुण स्थान का नाम आता है, आचार्य महाराज ने यहाँ पर तत्वा सूत्र में 14 गुण स्थान अलग से सूत्र में नहीं बताए हैं, तो हमें अन्य ग्रंथों के माध्यम से, अन्य टीकाओं से उसको लिखना पड़ता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, गुण स्थान, इनको सोपान भी बोलते हैं। गुण स्थान, अब तक कई बार इसका नाम लिया गया है, यहां से आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसको 14 सोपान भी बोलते हैं, ये 14 मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है, ठीक है। इसको सोपान भी कहा जाता है, ये 14 होते हैं, एक तरह से क्या है? सीढ़ी है, धीरे धीरे करके। अब ये सीढ़ी ऐसी है कि एक सीढ़ी आपने पार कर ली और उसके बाद भले ही ये वाला आपका मनुष्य जन्म किसी कारण से समाप्त हो गया, तो आप अगले जन्म में अगली सीढ़ी से उस पर चढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका इतना पुण्य कर्म का उदय रहे। नहीं तो क्या होगा, पिछले जन्मों में आपने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लीं, अगले जन्म में फिर आपने ग्रहित या अग्रहित मिथ्यात फिर से आपको आ गया, तो सीढ़ी आपकी वापस से नीचे आ जाएगी, आप चढ़ चढ़ के ऊपर तक आए और आप वापस से कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो आपका बहुत तीव्र पुण्य कर्म का वर्तमान में उदय चल रहा है, जो लोग यहाँ पर इन बातों को सीख रहे हैं, और हमें ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा प्रति समय हमने ऐसा प्रयास करना है कि हम जितनी भी सीढ़ी चढ़ते जाएं इन 14 सोपानों में, कि हे प्रभु हमारे भविष्य में जो भी पर्याय हमें मिले, हम जितनी सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम वापस पुनः नीचे ना गिर जाएं। तो ऐसी हमें अपनी प्रत्येक समय भावना रखनी है। इसको क्या कहते हैं? सोपान। ये 14 होते हैं, इनको मोक्ष कल्याण की सीढ़ी भी कहा जाता है, मोक्ष मार्ग की। इन्हें मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। तत्वार सूत्र क्या है?
तत्वार्थ सूत्र का नाम क्या बताया? मोक्ष सूत्र। तत्वों का अर्थ सूत्र, यानी कि जो मोक्ष का मार्ग है उसके सूत्रों के माध्यम से बताया, और जो सीढ़ियां हैं वह गुण स्थान है, इन्हें मोक्ष मार्ग यानी कि आध्यात्मिक मार्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। लैडर बोलते हैं ना इंग्लिश में, सीढ़ी भी कहा जाता है। अब एक एक करके इन सीढ़ियों के हम नाम लिखते हैं। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? मिथ्यात्व, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। पांच प्रकार से मिथ्यात्व: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, और इसी के दो प्रकार से भेद: ग्रहित और अग्रहित। इन कारण से जीव में बहुत सारे आत्मा में कर्मों के आश्रव होते रहते हैं और बंध को प्राप्त होते रहते हैं। सबसे पहली सीढ़ी मिथ्यात्व। इस जब तक जीव मिथ्या दर्शन में है, मिथ्यात्व में है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता, वह मोक्ष मार्ग अभी उसका चालू नहीं हुआ है। चलिए इसके बारे में धीरे धीरे लिखेंगे। पहले 14 की 14 सीढ़ियों के यहाँ पर आप लोगों के लिए नाम, किन किन नामों से इनको पुकारा जाता है वह नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला क्या है? मिथ्यात्व। दूसरा सासाधन। सासाधन मिथ्या दृष्टि या सासाधन। सासाधन क्या होता है? कि जीव ने मिथ्या दर्शन से निकल करके व्रत ले लिए, परंतु व्रतों को पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया और उसके बाद वह जीव नीचे आ गया। तो जो लेकिन अभी पूरी तरह से मिथ्या दर्शन में नहीं आया, थोड़ा सा बीच में लटक गया, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो कहाँ पहुँच गया? सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 1, 2, 3, 4 चार पे जाकर पहुंच गया, लेकिन क्या हो गया? वहां से वह गिर गया। अभी पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा, बीच में आकर के अभी लटका हुआ है 2 नंबर पे। तो सासाधन मिथ्या दृष्टि क्या होता है? कुछ समय के लिए वह जीव आ जाता है, उसको पता चल गया कि व्रत कैसे लेते हैं, उसने थोड़े से ऊपर जाके सम्यक दर्शन का उसको पता चल गया, अभी व्रत लिए नहीं है, सम्यक दर्शन का ज्ञान हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि बन गया व्रत लिए बिना, लेकिन थोड़ा सा उसको अभी श्रद्धान डगमगा रहा है, शंका इत्यादि है, लेकिन क्या है? सम्यक दर्शन के बारे में भी पता है। चौथे गुण स्थान से जाकर के जब जीव नीचे कुछ समय के लिए गिर जाता है, परंतु पूरी तरह से मिथ्या दर्शन में नहीं पहुँचता, तो उसको क्या बोलते हैं? सासाधन मिथ्या दृष्टि, है ना। उसके बाद तीसरा है मिश्र। सासाधन मिथ्या दृष्टि सब इसके बारे में जो बता रहे हैं धीरे धीरे लिखवाते भी जाएंगे, एक एक करके नाम लिख रहे हैं। तीसरा है मिश्र, जैसे कि आपने दूसरे अध्याय में औदेक भाव पढ़े थे, छायिक भाव पढ़े थे, छायोपशमिक भाव पढ़े थे, औपशमिक भाव पढ़े थे, यानी कि मिश्र भाव को क्या बोलते हैं? 6+ उपशम छायोपशमिक। ऐसे ही मिश्र क्या होता है? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का मिला जुला रूप, थोड़ा सा सम्यक दर्शन है और थोड़ा सा मिथ्या दर्शन है, डाउटफुल स्थिति है, कभी सम्यक दर्शन हो जाता है, कभी मिथ्यात्म में चला जाता है, कभी जिनेन्द्र भगवान को सही मानने लगता है, कभी अन्य देवी देवताओं को सही मानने लगता है, अभी पूरी तरह से मिथ्यात्म में भी नहीं गया, नीचे जाकर के पूरी तरह से अभी मिथ्या दृष्टि भी नहीं हुआ गिर करके, परंतु ढुलमुल अवस्था है, मिश्र है,
जैसे गंदले पानी का छाया उपशमिक भाव में उदाहरण दिया था कि नीचे मिट्टी बैठी हुई है, जल से भरा हुआ एक पात्र है, उस पात्र को जब हिलाते हैं तो वो पानी गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो भावों की ऐसी स्थिति जब कभी सम्यक दृष्टि है, कभी मिथ्या दृष्टि है, उसको क्या कहते हैं? मिश्र भाव। चौथा, ये सब गुण स्थान यानी कि सोपान की सीढ़ियां चल रही हैं। चौथा क्या है? अविरत सम्यक। अब ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति है, जो लोग तत्वार सूत्र को पढ़ रहे हैं, जिन पूजा भी करते हैं, मंदिर भी प्रतिदिन जाते हैं, सच्चा श्रद्धान भी रखते हैं, जिनेंद्र द्वारा बताए गए मार्ग को ही सत्य स्वरूप मानते हैं, परंतु अभी नियम संयम कुछ नहीं लेते, ऐसे भाव नहीं आते, ऐसे विचार नहीं आते, चारित्र का किसी भी प्रकार से धारण नहीं कर पाते, परंतु श्रद्धान पूरा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अविरत सम्यक। जो दूसरा पहले सूत्र में आपको बताया था, पहला क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। दूसरा शब्द क्या आया था? अविरत। तो इसमें भी थोड़े से कर्मों का बंध आपका अब आना कम हो जाता है, परंतु अभी व्रत नहीं लिए, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, भेद विज्ञान हो गया कि जीव है और एक पुद्गल है, यानी कि आत्मा है और शरीर है, ये दो अलग अलग हैं। इतना कम से कम पता चल गया कि जीव का जन्म मरण बार बार होता है, शरीर यहीं रह जाता है, जीव को मोक्ष होता है, संसार के स्वरूप का ज्ञान हो गया। आप सभी में सभी लोग कम से कम अविरत सम्यक धारी तो अवश्य ही हैं, इतना तो हम भी गारंटी से कह सकते हैं, तभी आप इतने दिनों से तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। परंतु प्रत्येक ने व्रत ले लिए हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा? कुछ ना कुछ कर्मों का बंद होना बंद हो जाएगा, है ना। एक लक्ष्मण रेखा तो आई कम से कम किसकी? सम्यक दर्शन की, कि आत्मा और जीव अलग अलग हैं, जिसको भेद विज्ञान भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो आया, अब जीव ने अणुव्रतों का धारण कर लिया, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ करके आए हैं। अब जीव क्या बन गया? विरत बन गया, विरत सम्यक। एक तरह से उसने किसी भी प्रकार से अणुव्रतों को धारण कर लिया, श्रावक बन गया। तो उसे क्या बोलते हैं? संयता संयत या संयमा संयम, एक ही बात है, संयमा संयम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संयम प्लस असंयम, यानी कि दोनों एक साथ हैं, संयम प्लस असंयम। इसका दूसरा शब्द और क्या होता है? संयता संयत भी इसको बोलते हैं, यानी कि कुछ तो संयम ले लिया, कुछ असंयम। असंयम क्यों है? गृहस्थ में है, उसको व्यापार भी करना है, उसको रोजगार भी करना है, उसको कुछ ना कुछ अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको चलाने के लिए उसको प्रतिदिन के कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, उससे कुछ कुछ जीव हिंसा भी होगी, उससे अन्य प्रकार की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए उसको बहुत सारे पाप इत्यादि भी थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, परिग्रह का भी पूरी तरह से उसका नाश नहीं हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? व्रती श्रावक, अणुव्रती गृहस्थ श्रावक। एक हमने पढ़ा था ना, अगारी और अनगारी, तो ये कौन हो गए? अगारी। लेकिन क्या हुआ? अब इनका सम्यक दर्शन और प्रगाढ़ हो गया, इनके बहुत सारे जो कर्म हैं वो बंधने कम हो गए, लक्ष्मण रेखा प्रगाढ़ हो गई। अब इनके व्रत धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले जाएंगे 11 प्रतिमाओं के माध्यम से, वैसे वैसे इनके क्या होंगे? आत्मा में कर्म आने धीरे धीरे कम होंगे, कर्म आएंगे लेकिन बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। अब इससे जीव और आगे बढ़ जाता है, जितने भी श्रावक हैं उनको क्या बोलते हैं? पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक।
हम लोग आरती इत्यादि में भी पढ़ते हैं कि जो श्रावक हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, उनका भी हम इसमें कई बार नाम ले लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है छठे नंबर पे, जो हम पांचवें गुण स्थान से और ऊपर बढ़ गए, कहाँ पहुँच गए हम, व्रत ले लिए, यानी कि निर्ग्रंथ अवस्था को यहाँ पर प्राप्त कर लिया। इसका क्या नाम बोलते हैं, सराग संयम, सराग संयम ले लिया पूरी तरह से, परंतु थोड़ा सा राग रहा। क्या बोला यहां पर, छठवें गुण स्थान में प्रमाद कषाय और योग आत्मा में रह जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या रह गया, राग रह गया। क्यों रह गया, महाव्रती तो बन गया परंतु अभी ध्यान नहीं लगा रहा, अन्य समय पे उसके क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो क्या है उसकी वजह से उनका प्रमाद रह गया है। सराग संयम प्रमत्त विरत, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रमत्त विरत, यानी कि प्रमाद के साथ व्रत, अभी थोड़ा बहुत प्रमाद बचा है, तो उन्हें क्या है, उनका अभी प्रमाद कषाय और बाद के योग की वजह से कर्मों का बंध हो रहा है। अब इसके बाद ध्यान अवस्था प्रारंभ कर दी, निर्ग्रंथ अवस्था भी हो गई, अब उस अवस्था में सातवें गुण स्थान में जीव कभी कभी जाएगा, जब वह दो घंटे का ध्यान लगा रहा है, कोई तीन घंटे का ध्यान लगा रहा है, कोई 24 घंटे लगातार ध्यान लगा रहा है। कई बार होता है ना, आपने निर्ग्रंथ अवस्था के मुनि महाराज इत्यादि के बारे में सुना होगा, बहुत समय तक वो ध्यान अवस्था में है। जब आप पूर्वाचार्यों के बारे में सुनते हैं तो पढ़ते हैं कि बैठे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, कई दिन तक ध्यान लगातार लगा रहे हैं, तो उस समय धीरे धीरे उनके गुण स्थान, उनकी ध्यान अवस्था में उनके जैसे जैसे भाव होते जाते हैं, वह गुण स्थान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सातवें गुण स्थान में जीव का प्रविष्ट करता है, जब वह ध्यान लगा रहा है और उस ध्यान में क्या होता है, प्रमाद से रहित हो गया, अप्रमत्त विरत, यानी कि अब प्रमाद खत्म हो गया, तो क्या रह गया, केवल कषाय और योग। अप्रमत्त, प्रमत्त बोलते हैं प्रमाद को, प्रमाद से विरत, अब यहां पर अप्रमत्त विरत, यानी कि प्रमाद से भी वह समाप्त हो गया, अप्रमत्त हो गया। यहाँ पे प्रमाद के साथ में उसके व्रत हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमाद से रहित व्रत हैं। ध्यान अवस्था में जीव यहाँ पर प्रविष्ट हो चुका है। अब इसके बाद कौन कौन से हैं, आठवें नंबर का, अब ध्यान अवस्था में धीरे धीरे जीव आगे बढ़ता जा रहा है, अपूर्व करण, पूर्व माने पहला, अपूर्व माने जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा वर्णन आता है कि निर्ग्रंथ अवस्था में पंचम काल में जीव सातवें गुण स्थान तक जा सकता है, ज़्यादातर अवस्था में वह छठे गुण स्थान में रहता है, और कभी कभी ध्यान अवस्था में जब वह प्रविष्ट कर जाता है तो सातवें गुण स्थान में रहता है, जब बिल्कुल मन वचन काय से प्रमाद से रहित हो जाता है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि जीव जो निर्ग्रंथ अवस्था में, जो मुनि महाराज आचार्य मुनि महाराज हैं, वो पंचम काल में छठे और सातवें स्थान में झूलते रहते हैं, इस प्रकार से शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी वह छठे में आ जाते हैं तो कभी वह ध्यान अवस्था में सातवें में आ जाते हैं, परंतु पूर्वाचार्यों, पूर्व के कालों के यदि वर्णन करेंगे तो वहाँ पर और आगे की ध्यान अवस्था क्या कहलाती, अपूर्व करण, यानी कि ऐसी ऐसी अनुभूति होना जो पहले कभी नहीं हुई हो, झूलना बंद हो जाता है और चारित्र काफी आगे बढ़ जाता है। आत्मानंद, अपूर्व करण का मतलब क्या है,
कि ऐसी ऐसी नई नई आत्मा में उनको ज्ञान में ऐसी ऐसी अनुभूति होती है जो पहले कभी भी नहीं होती है। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? अपूर्व करण। यहाँ पर भी क्या है? उनके कषाय और योग से ही कर्मों का बंध हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। अगला क्या है नौ नंबर का? अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण का क्या तात्पर्य होता है? जितनी भी सूक्ष्म इच्छाएं हैं, चारित्र मोह हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और भावों से निवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल जो भाव हैं, अब कोई भी विचार आने बंद हो जाते हैं, पूरी तरह से चारित्र मोह समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनिवृत्तीकरण। एक श्रेणी और ऊपर बढ़ गई उन आत्मा की ध्यान अवस्था में, तो उसे क्या बोला? अनिवृत्तीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवें नंबर पे कहाँ पहुंच जाता है? सूक्ष्म सांप्राय। दसवां क्या बोला? सूक्ष्म सांप्राय, यानी कि लोभ बिल्कुल सूक्ष्म रह गया। सूक्ष्म सांप्राय, इसका क्या नाम है दसवें गुण स्थान का? अब धीरे धीरे जीव और आगे बढ़ता जा रहा है। जो लोभ कषाय है वह बिल्कुल कषाय जैसे चार प्रकार की थी, क्रोध मान माया लोभ, उसमें भी जो अंत की बिल्कुल लोभ कषाय है वो एकदम से क्या रह गई? सूक्ष्म रह गई। और जीव और आगे बढ़ता चला गया, ये धीरे धीरे करके सीढ़ियों में ऊपर बढ़ता जा रहा है और अंत में जा करके क्या पहुंच गया? ग्यारहवें गुण स्थान में, उपशांत मोह। आठवें गुण स्थान में क्या था? अपूर्व करण। अपूर्व करण में अभी मोह को दबाया था, अब यहां पर क्या हुआ? ग्यारहवें गुण स्थान में जो मोह को दबाया था वह जीव यहां पर आ गया, उपशांत मोह। यानी कि मोह अभी शांत हुआ है, मोह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जो मोहनीय कर्म है जिसकी वजह से हमें राग द्वेष की परिणति होती है और हमारे संसार बना रहता है, भविष्य की पर्याय में जन्म मिलता है, वह क्या हो रहा है? अभी शांत हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा। तो अभी क्योंकि थोड़े समय के लिए दबा दिया गया है मोह को, तो डर क्या रहेगा कि अभी वापस से हम नीचे के गुण स्थान में गिर सकते हैं। कब मोह जाग जाए? जैसे हमने आत्मा के भाव पढ़े थे दूसरे अध्याय में, तो मिट्टी को नीचे दबाया था, अभी उसको हटा करके छह नहीं किया था, तो कब बाल्टी को हिला दिया जाए और मिट्टी फिर से ऊपर नीचे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ग्यारहवें गुण स्थान से जीव नीचे जा सकता है क्योंकि शांत किया है। अभी क्या किया है? यहाँ पर आठवें गुण स्थान में मोह को दबाया था, वह जीव यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से वापस से नीचे गिर सकता है। ये सारी बातें आपको लिखवाएंगे भी अभी। बारहवें नंबर पे कौन सा है? अब लास्ट में जाकर क्या हो गया? मोह को छीण कर दिया। आठवें जो अपूर्ण कर्म है, दो प्रकार से जीव आगे बढ़ सकता है। आठवें से सीधे यहां पर भी पहुंच सकता है उपशांत मोह में, और सीधे कहां पहुंच सकता है? छीण मोह में। यानी कि मोहनीय कर्म को एकदम से पूरी तरह से छह कर देना। जैसे ही छह वाली अवस्था में पहुंच गया, अब गिरने का डर समाप्त हो गया। कुछ समय तक बस वह छीण मोह अवस्था में रहेगा और उसके तुरंत बाद जैसे ही उसका मोहनीय कर्म का छह होगा, वो क्या बन जाएगा? तेरहवें गुण स्थान में फिर वह जीव प्रविष्ट कर जाएगा। और तेरहवें गुण स्थान में क्या हो जाएगा? संयोग केवली।
अब वह अर्यंत अवस्था को प्राप्त कर गया। मोनिय कर्म का क्षीण यानी कि छह होते ही बाकी के तीन जो अन्य हैं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इत्यादि चारों प्रकार के जो कर्म हैं जिनको घातिया कर्म कहा जाता है वह उसके समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जीव जब आयु कर्म भी समाप्त होता है तो बचे हुए जो उसके अघातिया कर्म हैं उनका भी नाश हो जाता है और उस अवस्था को क्या बोलते हैं अयोग केवली यानी कि सिद्ध भगवान। अयोग केवली अवस्था सिद्ध अवस्था इसको कहा जाता है। यहाँ आठों कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत सुख के धारी होते हैं अनंत शक्ति इनको प्राप्त हो जाती है और कहाँ पर विराजमान हो जाते हैं सिद्धशिला में ये जीव जा कर के प्रविष्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम 14 गुण स्थान इस प्रकार से होते हैं। जल्दी से इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फिर इनको हम लोग एक एक करके अच्छे से अगली कक्षा में लिख के भी चलेंगे। पहला कौन सा है मिथ्यात्, दूसरा सासाधन मिथ्या दृष्टि। सासाधन का मतलब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका था परंतु वहाँ से वापस गिर गया अभी मिथ्या दर्शन में नहीं पहुँचा। तीसरा मिश्र मिली जुली अवस्था कभी सम्यक दर्शन कभी मिथ्या दर्शन। अविरत सम्यक सम्यक दर्शन हो गया व्रत अभी धारण नहीं करे। संयमासंयम यानी कि अणुव्रतों को धारण कर लिया श्रावक बन गए कभी संयम है और कभी असंयम है। सराग संयम मुनि महाराज बन गए परंतु प्रमाद के साथ में व्रत लिए हैं यानी कि अभी ध्यान में नहीं है। जैसे ही मुनि महाराज बनने के बाद ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हुए तो प्रमाद से रहित व्रत हो गए। उसके बाद आठवें में अपूर्व करण ऐसी ऐसे उनके ध्यान में चीज़ें आ रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई और कर्मों को दबाने वाले उपशम श्रेणी और कर्मों को दबाने छह करने वाली छपक श्रेणी दो श्रेणी इसमें होती हैं वो आगे लिखेंगे। अनिवृत्तिकरण यानी कि और जीव अपूर्वकरण से आगे बढ़ता चला गया और बिल्कुल सूक्ष्म इच्छाएँ चारित्रमों का नष्ट हो जाना अनिवृत्तिकरण कहलाता है। सूक्ष्म सांप्राय अब जो आपका लोभ वाली कषाय थी वह बिल्कुल सूक्ष्म रह गई। उपशांत मोह मोहनी कर्म अभी दबा दिया शांत हो गया और क्षीण मोह मोहनी कर्म का क्षय हो गया समाप्त हो गया। उसके बाद अरिहंत भगवान बन गए संयोग केवली में। संयोग केवली में क्या था 11वें से लेकर 13वें गुण स्थान तक योग आत्मा में कर्म के कारण है क्योंकि इन तीनों गुण स्थान में क्या लिखा है हमने 11वें से 13वें तक जो पांच प्रकार की चीज़ें लिखी थी उसमें केवल योग रह गया यानी कि मिथ्या दर्शन चला गया। मिथ्या दर्शन तो है ही नहीं इसमें। दूसरा कौन सा नहीं है अविरत भी नहीं है। तीसरा कषाय भी नहीं है प्रमाद भी नहीं है तो क्या रह गया केवल योग ही योग से इन तीनों में 11, 12 और 13 आत्मा में कर्मबंध हो सकते हैं और अंत में जो 14वां गुण स्थान है यहाँ पर तो जीव कहाँ पहुँच गया सिद्धशिला में पहुँच गया तो किसी भी प्रकार से कर्मों का बंध नहीं होता। इन गुण स्थानों की चर्चा को कल की कक्षा में एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और एक एक गुण स्थान के बारे में और डिटेल में आपको लिखवा भी देंगे। तो आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।